सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ गाइस, वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला गाइस। ये टॉपिक जो गाइस मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही ऐसा टॉपिक लाया हूँ, और गाइस ये टॉपिक जो है यूट्यूब पर पूरे आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जो मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला हूँ, जो आपको दिखाने वाला गाइस, पूरे यूट्यूब पे ऐसा किसी ने नहीं किया है। ये फर्स्ट वीडियो है जिस जो कि मैं कर रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना, नहीं तो गाइस बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आया। गाइस, ये एक यूनिक टॉपिक मैं आपको लाया जो कि साउंड सिस्टम और स्पीकर रिलेटेड वीडियो है। सो गाइस, करना क्या है गाइस, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ सामान है गाइस। दो पर्दे हैं, चार चार जो छोटे ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं वो है, और गाइस ये एक देख सकते हो गाइस, ब्लूटूथ स्पीकर का जो है मैंने ऊपर वाला जो पार्ट है वो कट कर लिया। आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे गाइस मैंने दोनों को है जो कि साथ में जो है वेल्ड कर दिया है सोल्डरिंग आयरन की मेथड से। तो गाइस ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो मैंने इसका जो ऊपर वाला कट किया है, इसका नीचे लगा भाग है जो कि गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है और यहाँ पे स्पाइडर लगा हुआ है। गाइस मैंने कॉइल को जो है रिमूव कर लिया, और गाइस साइड साइड से देख सकते हो मैंने लोहे के रॉड को जो है कि यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया अच्छे तरीके से, और कुछ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर दे दिया है। सो गाइस, हमें इस वीडियो में करना क्या है गाइस, कुछ इस प्रकार से जो है कि इसके ऊपर वेल्ड हो जाएगा और ये दोनों पर्दा इसके ऊपर लग जाएगा। और गाइस ये देख सकते हो मेरे पास ये कॉइल है इसी का, और गाइस इसकी जो लेंथ है ये मैंने यहाँ से हाइट है जो कि बढ़ा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर लगा के मैंने जो बढ़ा दिया है। और क्यों बढ़ाया गया आपको पता चल जाएगा गाइस। और ये जो है गाइस कुछ इस प्रकार से इसमें मैं वेल्डिंग कर दूंगा, और साथ ही साथ दोनों को इस पर्दे को लगा दिया जाएगा, और एक ही कॉइल से, जी हाँ गाइस, एक ही कॉइल से दोनों पर्दा जो है बहुत ही मस्त तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और गाइस एक ही पर्दे, एक ही कॉइल से दो पर्दा चलेगा, ये एक यूनिक बात हो गई हो जाएगी यूट्यूब पे, ऐसा किसी ने कहते। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। चलिए फटाफट से इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए पहले तो इन सबको जो हमारी साइड कर लेते हैं, जो हमारा वर्क है ये दोनों से भी है। तो गाइस हमें क्या करना है गाइस, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से इसमें सोल्ड कर लेना है सोल्डिंग आयरन की मदद से। चलिए गाइस फटाफट से इसे सोल्ड कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है कि अच्छे से जो है मैंने वेल्ड कर दिया, और ये कुछ इस प्रकार से इसका जो शेप लग दिख रहा है। और गाइस आपको ध्यान रखना है, जो इसका सेंटर पॉइंट है इसके सेंटर पॉइंट से मैच करना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बेकार हो जाएगा हमारा जो प्रोजेक्ट है। तो गाइस देख सकते बिल्कुल आसान तरीके से वेल्ड हो गया और कहीं नहीं जाने वाला गाइस, बहुत ही मजबूत सोल्डिंग है। सो गाइस देख सकते कुछ इस प्रकार से मैंने जो कॉइल को सेट कर दिया है, इसके बीच में जो है पेपर, जो वेल्डिंग वाला पेपर होता है वो मैंने लगा दिया है, जिससे कि बीच से क्लियरेंस जो है बना रहा है। और चले गए अब क्या करते हैं, स्टैंड ग्लू से जो है कि हम चिपका लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें फास्ट काम करना है, इसलिए मैं स्टैंड ग्लू का यूज़ कर रहा है। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा कॉइल भी है इस पैटर्न में अच्छी तरीके से जो है सेट हो चुका है, जो कि चिपक चुका है। और गाइस अब क्या करना है गाइस, हमें ये दोनों पर्दा लेना है, और ये दोनों पर्दा को कुछ इस प्रकार से यहाँ से भी स्टैंड ग्लू से चिपका देना है। और फिर क्या करना है गाइस, हमें देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार का लुक आएगा। हमें क्या करना है गाइस, इसके राउंड शेप में पाइप बनाना होगा पेपर का, और दोनों कॉइल, दोनों जो पाइप है कॉइल के एकदम सेंटर में ला के हमें चिपका देना होगा। चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से आप भी कर लेते हैं, ये फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने जो है इसका दोनों पर्दा जो अच्छे तरीके से जो स्टैंड ग्लू से जो चिपका दिया है, और दिखने में कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है, बहुत ही ढांसू और यूनिक चीज़ दिख रहा है गाइस। तो गाइस अब क्या करना है गाइस, इसमें से जो हमारा है राउंड शेप का जो है पाइप बनाना है, और दोनों का जो पाइप है वो कॉइल से शायद अच्छे तरीके से अटैच करके, फिर इसको क्या करना है गाइस, यहाँ से कनेक्शन देके फिर इसकी जो टेस्टिंग है वही तो मेन है गाइस, टेस्टिंग है क्या कैसा बसता है ये आपके सामने मैं लाने वाला हूँ, और यही तो नया आइडिया है गाइस। तो चलिए गाइस फटाफट से इसे भी हम लोग कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने वी शेप में जो है इसका जो कॉइल के कॉइल से और पर्दे तक जो कि हमारा वॉइस कॉइल जो है पहुंचा दिया है, एक वॉइस कॉइल और दो पार्टिसिपेशन करके मैंने जो है यहां तक पहुंचा दिया है। कुछ इस प्रकार से मैंने जो कटवट करके लगा दिया अच्छे तरीके से जुगाड़ पानी लगा के। सो गाइस अब क्या करना है गाइस, इसको जोड़ देना है बीच से, और कॉइल को यहाँ पर्दे पे भी इसको जोड़ देना है, और उसके बाद क्या करना है गाइस, हमारे जो कॉइल से कनेक्शन लेंगे और यहाँ पे दो लगाएंगे टर्मिनल, और फिर एम्पलीफायर में लगा के फिर हम चेक भी करवाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करना है गाइस, ये जो इसके ऊपर का है ये लगा देंगे कुछ इस तरीके से जो कि अच्छा लगेगा देखने में। तो गाइस चलिए फटाफट से कर लेते हैं, और गाइस इसे चिपकाना है तो मैं इसे चिपका लेता हूँ, कनेक्शन भी कर लेता हूँ, और लास्ट में जो है कि आपको दिखाता हूँ ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, और इसके टेस्टिंग भी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। भाई गाइस आप कमेंट बताना गाइस कि किस प्रकार का ये दिख रहा है, और ये आइडिया आपको कैसा लगा, और यूट्यूब पे आपने कभी पहले इससे देखा है कि नहीं। तो गाइस मेरा दावा है कि आपने ऐसा कभी कुछ नहीं दिखा होगा यूट्यूब पे, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो गाइस लाइक दबा के ठोक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है शेयर करिएगा। चलिए गाइस फटाफट से जो है कर लेते हैं।
आप देख सकते हो मैंने जो है कुछ इस प्रकार से जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट कर दिया है, पूरा कनेक्शन भी कॉइल से कर दिया है और साथ ही साथ ये भी चिपका दिया और जो है एम्पलीफायर से जो भी ये कनेक्ट कर दिया है। चलिए गाइस अब इसकी जो टेस्टिंग देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। बाकी आप देख सकते हो क्या फाइनल लुक किस तरीके का आ रहा है गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए गाइस एक तो एंसर सॉन्ग जो है इसमें प्ले करते हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है देखते हैं किस प्रकार का ये देता है। तो गाइस देख सकते हैं क्या मस्त पंचिंग आ रही है और एक साथ दोनों जो हमारा जो है पर्दा वो दोनों हिल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये आवाज़ को भी निकाल रहा है और अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है आप देख सकते हो। सो गाइस ये यूनिक जो हमारा आइडिया था ये आपको कैसा लगा गाइस, ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला इस तरीके का जो मैंने जुगाड़ किया है। सो गाइस अगर आपका जो एम्पलीफायर जो कमज़ोर है तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो, जैसे गाइस ब्लूटूथ प्लेट होती है हमारी तो एक ऐसी वाली होती है तो आप दो इस तरीके का जुगाड़ लगा के दो स्पीकर सामने से दिखा सकते हो जो कि एक कॉल से ही चलेगा तो आपका जो प्लेट वो भी नहीं जलेगा। तो आप देख सकते किस प्रकार से हमारा जो वर्क कर रहा है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये यूनिक आइडिया आपको कैसा लगा गाइस, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना गाइस। इस आइडिया के लिए गाइस आइडिया खोजिए मुझे बहुत टाइम लगा था क्या किया जाए क्या किया जाए गाइस, तो ये एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैं फट से फटाफट वीडियो को जो तैयार कर लिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना गाइस इस तरह के यूनिक आइडिया के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।